हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चटाको बाय हर्षा। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजराती फेमस फरसान ढोकला, और वो भी मेरी स्पेशल रेसिपी के साथ। तो जो आपने कहीं पे भी नहीं देखा ना खाया होगा। तो इसके लिए हम पहले लेंगे दाल चावल का एक मिक्सचर, जिसमें मैंने एक कप चावल के सामने आधा कप चना दाल, आधा कप तुअर दाल, आधा कप उड़द दाल और आधा कप मूंग दाल लिया है। और ये इसके साथ ही हम जितना भी दाल चावल का मिक्सचर होगा उससे 1/4 मेजरमेंट में पोहा लेंगे। और दाल चावल को अच्छे से धो के हमें 6 घंटे जितना भिगो के रखना है, और ऊपर इतना पानी भी रखना है। और साथ में ही जो पोहा भी है लिया था मैंने, उसको भी मैं धो के दाल चावल के साथ ही भिगोने के लिए रख दूँगी। तो इसको मैं कम से कम सर्दियों में तो हम 6 घंटे तक भिगोते ही है, ये मैं कम से कम बोल रही हूँ, आप 8 घंटे तक भी भिगो सकते हैं। तो उसको ढक के मैंने 5 से 6 घंटे के लिए रख दिया। फिर 6 घंटे बाद में हम उसको मिक्सर जार में लेके अच्छे से पीस लेंगे। तो आपको बहुत स्मूथ भी नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि ये, और उसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। अभी ये थोड़ा थिक लगेगा आपको, पर फर्मेंटेशन होगा उसका 6 से 8 घंटे बाद। तो आप देख सकते हैं कि फर्मेंट होने के बाद तो ये कैसा लगता है, ये देखिए कितना अच्छा फर्मेंट हो गया है ना। और सर्दियों में इतना अच्छा फर्मेंट होने के लिए उसको आपको 10 से 12 घंटे लगेंगे, और गर्मियों में ये 6 घंटे में अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो उसको अच्छे से हिलाने के बाद हम उसमें मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाला पहले हल्दी, तो हल्दी यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून डाला है, और मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ उसमें, यहाँ पे मैं 2 टीस्पून जितना डालूँगी। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 से 3 टीस्पून जितना डाला है, और साथ में थोड़ी सी शक्कर। और दही मैंने फर्मेंट होने के बाद उसमें डाला था, तो दही डाल के भी, आपको खट्टा पसंद है तो आप खट्टा दही डाल सकते हैं या तो नॉर्मल दही। उसको अच्छे से मिला के मैं आधा घंटा उसको रेस्ट दूंगी, ताकि मसाले बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर आधे घंटे बाद हम उसमें अदरक मिर्च और लहसुन, आप खाते हो अगर लहसुन तो आप डाल सकते हो, नहीं तो अभी मैंने खाली अदरक मिर्च डाला है। और फिर बाद में मैं 1-2 इसके बैचेस बना लेने के बाद लहसुन डालूंगी। तब तक मैं इसमें जो स्टीमर है तो वो गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है, और इसमें डालने के लिए एक मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। तो तड़के के लिए हम यहाँ पे लेंगे 3 से 4 टीस्पून जितना तेल, आपका बैटर जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आपको तेल लेना है। तेल गर्म हो जाए बाद में हम उसमें डालेंगे राई, तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जितना राई डाला है, सरसों का दाना और सफ़ेद तिल, और साथ में थोड़ी सी हींग, और उसके साथ में मेरा स्पेशल चाट मसाला तो नहीं है, ये अचार मसाला है। तो वो उसका तड़का तैयार करने के बाद हम बैटर में थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून डाला है, और उसी के ऊपर हम ये बैटर, जो तड़का हमने तैयार किया है वो डाल देंगे, और उसको अच्छे से मिला लेंगे। और साथ में ही हमें जो प्लेट्स में ढोकला बनाना है उसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और उसमें ये बैटर डाल देंगे। यहाँ पे मैं, मेरी प्लेट्स छोटी है तो यहाँ पे मैं 5 से 6 चम्मच जितना बैटर डाल रही हूँ। आपकी प्लेट अगर बड़ी है तो आप ज़्यादा बैटर डाल दो, या तो इतना
इनफ है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे स्टीमर में से स्टीम निकल रही है बाहर, तो अब उसमें हम ये जो बैटर वाली प्लेट्स है वो रख देंगे और उसको 10 से 12 मिनट तक स्टीम होने देंगे। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी मैं दूसरी बार तड़का बना रही हूँ, जो हम जो हमारा ढोकला रेडी होगा उसके ऊपर डालेंगे, तो उसमें हम हींग नहीं डालेंगे और अचार मसाला भी नहीं डालेंगे। तो तेल हमारा थोड़ा गर्म हो जाए, बाद में हमने उसमें सरसों दाना डाल दिया और फिर गैस बंद करके तिल डाला। तो तिल इस बार मुझे ऊपर लगाना है, तो मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये 12 मिनट के बाद हमारा ढोकला अच्छे से स्टीम हो गया है, तो हम उसको निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर उसके ऊपर जो हमने तड़का रेडी किया था वो स्प्रेड करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा फटाफट से। अभी हम ढोकला को कट करके उसके पीसेस बना लेंगे। यहाँ पे मैं स्क्वायर पीसेस में ही कट कर रही हूँ, आप अगर चाहो तो डायमंड शेप में भी कट कर सकते हो। और आपके यहाँ पे ढोकला कैसे बनता है ये मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मैंने ढोकला निकाल दिया, तो आप देख सकते हो कि कितना फूला फूला और स्पॉन्जी ढोकला बना है और कितना सॉफ्ट है, और ये एकदम से प्रोटीन रिच है, तो डायबिटिक पेशेंट्स भी उसको अच्छे से खा सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।